हूँ नीलेश परमार, गुजरात प्रदेश प्रमुख अखिल भारतीय भीम सेना। कलेक्टर कचेरी आज आवेदन पत्र आप आवेदन पत्र नो विषय आज में हो तो अहमदाबाद अखिल भारतीय भीम सेना नो के उत्तर प्रदेश की अंदर जो घटना बनी लखीमपुर नी अंदर एक शांतिपूर्ण ढबे लोकशाही ढबे भारत ना संविधाने आपेला अधिकार मुजब खेडूतो आंदोलन कर रहा था। ये दरमियान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा नो पुत्र के जेने आ शांतिपूर्ण रीते आंदोलन कर रहा खेडूतो पर पोतानी कार चढ़ावी देने जे नरसंहार कर्यो छे ए नरसंहार ना विरोध में आज अमे देशना महामहिम राष्ट्रपति श्री ने आवेदन पत्र आपवा आव्या था के आ जनन्य अपराध ए फक्त खेडूतोनी हत्या नथी, साथे साथे खेडूतोनी हत्यानी साथे साथे भारतनी लोकशाही अने आ बंधारणने जाणे आ लोकोए पड़कार फेंक्यो छे। आ विषयनी अंदर अमारी लागणी अने मांगणी महामहिम राष्ट्रपति श्री सामे ए छे के यूपीनी अंदर उत्तर प्रदेशनी अंदर राष्ट्रपति शासन लागू थाय, योगी आदित्यनाथ ने तत्काल मुख्यमंत्री पदे थी हटावीने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करवामां आवे। भारत की संस्कृति दुनिया की सौथी जूनी संस्कृति में एक है और भारत की संस्कृति ए रहेली है कि अहीं राजा महाराजा था, ए साधु ने संत बनी ने अने जनसेवा करेली है। दाखला तरीके गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश की अंदर गोरखकूट मठ छोड़ीने आ योगी राजकारणनी अंदर प्रवेशीने राजधर्म निभावानी जग्याए प्रजानी ऊपर अत्याचार करी रह्या छे। आवा मुख्यमंत्री ने तात्कालिक पदे एमना पदे थी हटावी देवामां लोकशाहीनुं कल्याण छे, तो ज संविधानने आपणे बचावी शकीए। आजे कलेक्टरश्रीने अमे मांगणी करी छे राष्ट्रपति कलेक्टरश्रीना मार्फते के तात्कालिक योगी आदित्यनाथने आ पद परथी हटावीने लोकशाहीनुं रक्षण करो। जय हिंद, जय भारत। મારું પરિચય આપજો। મારું નામ પ્રગટ કુમાર દૈયા છે। આજે કલેક્ટર કચેરી આવ્યા છો, શું આવેદન પત્ર આપવામાં? ઉત્તર પ્રદેશની અંદર જે રીતે કાયદો અને વ્યવસ્થાનું હનન થાય છે, ઘણા સમયથી હિંસાત્મક ઘટનાઓ થાય છે અને સરકાર ખુદ કાયદો અને વ્યવસ્થા હાથમાં લઈ અને સરેઆમ હિંસા જ આચરે છે અને કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે। જે તાત કહેવાય ખેડૂત એક તાત છે, આ ખેડૂત